सिमरन सिमरन मैं तेरे को सिमरन नजर आ रही हूँ। नहीं मैम, मेरा मतलब आप यहाँ पे। सिमरन कौन है? वो रात को मैं डीडीएल से देख रहा था। आप तो सिमरन एक वो है जो दिन में सपने देखते हैं, और एक ये मेरा लड़का है, रात को सपनों में देखते हो बोलता रहता है। तो मम्मा सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो ना। सुबह घड़ी देख, दोपहर के 1 बजे पड़े हैं। शिट। और भाई कैसे कट रहे हैं दिन? अबे दिन तो कट रहे हैं, रात का बता। डेट है रात को सिमरन के साथ, पता है? डेट है? अबे साले बार बार मत निकलियो, पुलिस वाले ना तोड़ देंगे। रुक, तुझे वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ। मार मार के ना दो टुकड़े कर दिए। बहुत फनी है भाई तू। अबे वर्चुअल डेट है भाई। सुन, सारा डेटा ना खत्म मत कर दियो। लॉकडाउन है, बाकी काम के लिए भी बचा कर रख। समझ रहा है ना तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बकवास हो गई है? अब बताएगा प्लान क्या है, क्या करूं? कुछ दिन कंट्रोल कर ले। इमोशंस भाई सुन मेरी बात, व्हाट्सएप है ना अफवाह रही है कि लॉकडाउन के वक्त एक एक दूसरे एक से बातें कर रहे हैं दोबारा। इसका पता है एक्स कौन है? राज। और बाजी मार गया फिर है। तुझे पता है इनका लास्ट ब्रेकअप कब हुआ था? डिमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ था। एटीएम में खड़े हुए थे एक ही लाइन में, भाई वहीं पे पैसा पड़ गया। ओह आई सी, इसीलिए तूने साले उसे ऑनलाइन डेटिंग के लिए बुलाया। भाई वर्चुअल डेट। हाँ ठीक है, भाग को मत सिखा। बताएगा क्या करूं? देख अगर मैं इस टाइम बाहर होता ना बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ। पर घर पे ना मेरी सुबह बार और काम नहीं करती। अच्छा तो भाई थंडरस्टॉर्म भी नहीं आ रहा आजकल। अब हमें सालों साल पुराने ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। याद है जब पहले फैंसी रेस्टोरेंट नहीं होते थे, व्हीकल्स नहीं होते थे, कूल रिबन के ग्लासेस नहीं होते थे, जब आईफोन नहीं हुआ करता था, A few moments later. जब स्टार प्लस नहीं हुआ करता था, जब फोन के नाम पे लोग आशिक बनाया आपने देखा करते थे, सरिता वरिता वाली मैगजीन पढ़ा करते थे, जब इमेज समय नाक से गाने गाया करता था। खैर वो तो अब भी नाक से गाता है, लेकिन जब आएगा पॉइंट पे सुन, शेरो शायरी से शुरू करना। रिपीट आफ्टर मी। मिले जो तुम इस तरह के बात बन गई, मिले जो तुम इस तरह की बात बन गई, मिले जो तुम इस तरह की बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में हर रात बन गई। वाह शायर जी, इम्प्रेसिव। ये गालिब का है ना? नहीं, ये ना मेरा एक दोस्त है जतिन, तो उसकी लाइन है। हो सकता है कि उसने कॉपी किया हो गालिब से। तो वैसे ये थोड़ा वियर्ड नहीं है? देखो जब वर्चुअल क्लासेस हो सकती है तो वर्चुअल डेट में क्या प्रॉब्लम है? मतलब डेट करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हैशटैग सोशल डिस्टेंसिंग। वेरी फनी। मेरा मतलब है कि लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 2020 में हमारे पास फ्लाइंग कार्स होती, और अब क्या है? कोरोना। अरे यार बोलो मत इस बारे में। मतलब मैं यही रीजन है कि किंगफिशर पीना प्रेफर करता हूँ, पता है? बिकॉज़ कोरोना तो एक वायरस भी है। ये फनी नहीं था। अच्छा मेरे दोस्त जतिन तो हंस गया था। जतिन काफी अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा? अरे होता है ना कि जैसे अमित शाह के पास मोदी है, जय के पास वीरू है, सोधी के पास टीटू है, सहवाग के पास सचिन है, तो और राहुल गांधी के पास तो कोई है नहीं वैसे, बट बस उसी तरह विक्की के पास जतिन है, तो आई एम श्योर तुम्हारे पास भी कोई होगा। है ना? मेरा पांडा। वेट, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या? नोप, तुम हो ना। अच्छा सिर्फ फ्रेंड? काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए तुम्हारे, वो भी पहली ही डेट पे। अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुम्हें रियल डेट पे ले जाऊंगा। कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखते हो ना? नहीं एक्चुअली ये लाइन भी मेरे दोस्त जतिन की है, तो और हो सकता है कि उसने कॉपी किया हो संदीप महेश्वरी से। यू नेवर नो। यू आर रियली फनी एंड इनोसेंट। वैसे तुम वेट कर सकते हो लॉकडाउन तक? नहीं, आई थिंक लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, और ये लाइन जतिन की नहीं है। बचपन में हम कोट्स लिखते थे, तुम्हें याद है कि गॉड इज वन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये उसमें से एक है।
तुमने तो नॉस्टैल्जिया ही दे दिया. आई एम इम्प्रेस्ड. विकी पापा पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो पापा? बाहर लॉकडाउन है, घर में तो घूम सकता हूँ. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ ही, मैं तो बस ये DDLJ देख रहा था. आई लव दिस गाय पापा. दिखा मुझे पापा. वी लव मोदी नो सोशल डिस्टेंसिंग. वहीं पे रहो पापा, वहीं पे. झूठ बोल रहे हो तुम. मुझे पता है शाहरुख तुम्हें कभी पसंद नहीं था. तुम फोन देख रहे हो पापा. मैं पॉर्न थोड़ी देख रहा हूँ. मतलब लास्ट पॉर्न तो 12th में देखी ना, जब मम्मी ने कसम दिलवा दी थी. मम्मी कसम, उसके बाद से नहीं देखी पापा. वो कसम तो 11th क्लास में खाई थी. हे भगवान, हमारा लड़का तो हाथ से निकल गया. कुछ करो, नहीं तो मैं ही कुछ करूँ. कल से सुबह 9 बजे उठ जाना. पापा क्यों उठ रहे हैं 9 बजे? सुबह रामायण देखनी है 9 बजे. अब तुम संस्कार ही नहीं रहे. चलो अब सो जाओ. What's so funny? मुझे नहीं पता था तुम वैसी वाली साइट्स पे जाते हो. अरे यार पूछो मत. पता है मतलब तुमने तो टीवी में काली माता देखी होगी. मैंने ना रियल में काली माता देख ली थी उस दिन. एनीवे आई एम हैविंग अ रियली गुड टाइम. कैन आई टेक अ स्क्रीनशॉट? एक सेकंड ना. एक सेकंड. और क्या? बस कुछ नहीं, क्वारंटाइन एंजल. और तुम? सेम. अच्छा एक बात बताओ कि लॉकडाउन के बाद रियल डेट पे चलोगी मेरे साथ? सोचना पड़ेगा. आई मीन तुम फनी तो हो और हर लड़की यही चाहती है ना कि लड़का फनी हो. सही है. मतलब पापा ने बुद्धू कह दिया, मम्मी ने नलायक कह दिया, तुमने फनी कह दिया और दुनिया वालों ने तो कुछ कहा नहीं. वैसे दुनिया वाले तो कुछ कहते नहीं. ओके ओके बस बहुत हो गया. आई हैव टू गो. आई विल टॉक टू यू लेटर. आई सी यू देन. भाई सुन, लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो गया. सिमरन किसी राज के साथ भाग जाएगी. सिमरन सिमरन